दवाई लो दवाई लो दवाई लो नहीं क्यों नहीं ऐसा होता है भाई मैं टीवी मैं टीवी लगा दो टीवी देखो चुपचाप दूध पिला देंगे दवाई नहीं कृशु नहीं। नहीं। कौन बनाएगा हेलो दोस्तों मई हूँ स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में तो कैसे हैं आप सब 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 जैसा आप देखें कि आप देखेंगे मतलब हो रहा है बच्चा मेरा सीटी में बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है घर पे बना दो ना नमकीन चलिए हम नमकीन भुजिया बना रहे हैं नींबू वाला तो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ हम सबसे पहले नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मतलब तैयारी कर ले तो यहाँ मशीन लिए हैं जो नमकीन मेकर होता है वही लिए हैं ये देखिए बहुत ही नॉर्मली मतलब यहाँ मिल जाता है मार्केट में तो आप ले सकते हैं बहुत ही यूज़फुल होता है चिप्स नमकीन के लिए या फिर मतलब जो भी आपको बनाना है कुरकुरे वुरकुरे वगैरह तो आप बना सकते हैं नूडल्स मैगी भी बना सकते हैं इससे बहुत बढ़िया है नॉर्मली मिल जाता है और इसको देखिए हम ट्राई कर रहे थे कि कैसे मतलब इसको निकाल रहे थे तो यहाँ हम तैयारी कर लेते हैं सबसे पहले तो ब, ब, बच्चा तो बोल दिया बोल रहा है कि तुम ही बनाओगी नमकीन तो खाऊंगा तो यहाँ सचिन बहुत ज़्यादा बड़ा ज़िद्द किया था बहुत ज़्यादा जिद किया था तो यहाँ हम निकाल रहे हैं सारे पहले हम तैयारी कर ले थोड़ा सा तो ऐसी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो हम ऐसे ही शेयर करेंगे तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मतलब पूरा रियल मतलब कैमरे के पीछे का भी यहाँ दिखेगा देखिए बाबू आ रहा है बीच बीच में देखने यहाँ देखिए सबसे जो बारीक है नमकीन वाला एकदम मतलब जो बारीक छेद वाला है छोटा छोटा वो हम निकाल लिए हैं इसमें ऐसे डाल देना है ये देखिए और इसको लॉक कर देना है लॉक करने से पहले यहाँ हम इसमें घी लगा लेंगे घी लगाइए तेल लगाइए जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं वो लगा सकते हैं तो यहाँ हम घी लगा लिए हैं इससे क्या होगा कि मतलब ये चिपकेगा नहीं इसमें जो भी हम नमकीन बनाएंगे और बहुत ही ईज़िली ये छूट जाएगा तो यहाँ हम घी लगा लिए हैं उसके बाद यहाँ हम क्या करेंगे कि नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम बेसन निकाल रहे हैं तो बेसन का ही हम लोग बनाएंगे बहुत ही इजीली बन जाता है बहुत ही कम टाइम में बनता है तो आप ज़रूर बना सकते हैं बच्चों के लिए ख़ास तौर पर क्योंकि पता है पैकेट का कुछ भी मतलब पैकेट का हो अच्छी चीज़ें भी यदि वो मतलब पैकेट में है तो मेरे हिसाब से वो नुकसान ही करती है क्योंकि बाबू का अभी गर्मी की वजह से ये बाहर का खाने हैं बार बार मतलब रोज़ आदत हो गई थी इनको खाने के लिए रोज़ बाहर का ही चीज़ जी तो मतलब तबीयत ख़राब हो गया था इनका तो इसलिए हम चाहते हैं कि अब घर पे ही इनको बना के खिलाया जाए जो भी हो तो इसलिए बाहर का सामान सारा बंद है अभी फिलहाल अभी बंद है क्योंकि बाहर का पहले बहुत ज़्यादा ये खा लेते थे खाना बाहर अंदर का खाना मतलब घर का खाना खाना ही नहीं है बस बाहर का चीज़ी कुरकुरे चिप्स जो भी दो बाहर का ये इसको अच्छा लगता था तो यहाँ देखिए हम बेसन ले लिए हैं तो बेसन कुछ ज़्यादा नहीं लेना है कम ही बेसन में खूब सारा बन के तैयार होगा नमकीन झटपट से यह बन के तैयार हो जाता है तो यहाँ हम लगभग एक कप लिए हैं बेसन तो यहाँ हम अंदाज से लिए हैं लेकिन हम एक कप लिए हैं और ये देखिए पाँच से छः नींबू का रस है जो हम पहले निचोड़ के रख लिए थे तो यहाँ हम नींबू नमकीन भुजिया बना रहे हैं आजकल मतलब पैकेट में मिलता था यहाँ पे तो हम वही ट्राई किए बाबू को थोड़ा वो अच्छा लगता है चटपटा सा तो यहाँ हम नमक डाल लेते हैं नॉर्मली हल्दी डाल लेते हैं अगर आप तो मतलब बड़े के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं यहाँ हम घी डाल देते हैं दो चम्मच और जब हम चम्मच में घी डाल रहे थे ना तो बाबू को लग रहा था कि हम दवाई डाल रहे हैं क्योंकि इनको दवाई पिलाना था तो चम्मच ही पिलाते थे तो बहुत ज़्यादा दवाई नहीं पीता है बहुत ज़्यादा नौटंकी करते हैं तो यहाँ देखिए अभी भी इसको लग रहा है कि दवाई ही पिला रही है बहुत ज़्यादा डर गया है दवाई पी पी के तो इसको लग रहा था कि हम दवाई ही पिला रहे हैं तो यहाँ देखिए इसके बाद हम दो चम्मच घी डाल दिए थे उसके बाद नींबू का रस डाल दिए अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप मतलब इसमें पानी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से लेकिन अभी हम नींबू के रस ही डाल के और इसको अच्छा सा मतलब सॉफ़्ट आटा लगाएंगे बढ़िया सा एक आटा लगा लेंगे बेसन का इसमें कुछ नहीं करना है बस नींबू का रस डालना है थोड़ा सा नमक डाल देना है हल्दी डाल देना है और बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं फिलहाल अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि बच्चे के लिए बना रहे हैं तो यहाँ इसको अच्छे से गूंथ लेंगे एकदम बढ़िया सॉफ्ट यहाँ देखिए गूंथ लिए हैं इसका हम बढ़िया सॉफ्ट आटा लगा लिए हैं आटा लगाने के बाद यहाँ देखिए लंबे से ऐसे कर लेंगे ताकि हम नमकीन मेकर में अच्छे से डाल सके ये देखिए ऐसे हाथों से रोल कर लेंगे आप चाहे तो इसको मतलब वो क्या बोलते हैं छनौटा जिसको बोलते हैं तलने वाला उस पर आप तल सकते हैं उस पर भी आप रगड़ रगड़ के बूंदी जैसा बना सकते हैं नमकीन लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है इसमें ऐसे डाल देंगे उसके बाद फिर बंद कर देंगे जिस जो इसका लॉक होता है पीछे से वो बंद कर देंगे और साथ में ये देखिए बैठ के खेल रहे हैं गर्मी में मेरे साथ ये भी नहीं किचन में रहेंगे हम भी देख हम भी नमकीन बनाएंगे तो ये भी नमकीन बना रहे हैं तो पहले क्या होता था कि मतलब हम बस खाने का ही वीडियो शूट करते थे फिलहाल ये सब नहीं दिखाते थे लेकिन हमें अब अच्छा लग रहा है कि ये सब भी दिखा सकते हैं नॉर्मली सबके घर ऐसा होता है उसके बाद क्या करेंगे इसको हम अच्छे से कपड़े से पोच लेंगे जब भी आप नमकीन बनाए इससे तो आप मतलब ख्याल रखिएगा कि इसको जरूर पोछ लीजिएगा नहीं तो ये बहुत चिकना हो जाता है उसके बाद फिसल सकता है तेल में जब आप नमकीन तलेंगे तो फिसल सकता है तो बहुत ही मतलब केयरफुल इसको यूज़ करिएगा अच्छे से इसको पोष लीजिएगा ताकि मतलब इसमें कोई चिकनापन ना रहे और यहाँ बाबू पूरा लेके बिखेर दिए थे सारा जो इसका सांचा होता है इसके साथ दस बारह सांचे मिले हैं आप कोई भी डिज़ाइन के मतलब बना सकते हैं यहाँ हम ले लिए हैं कढ़ाई और ये कढ़ाई मतलब बहुत दिनों से हम यूज़ नहीं किए हैं ऐसे ही रखे थे ठंडियों के दिन में ज़्यादा यूज़ हो जाता है क्योंकि साग वगैरह बनाना होता है तो इसी में हम तड़का लगा देता है अभी बहुत दिनों से हम नहीं यूज किए थे तो इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं और ये नमकीन आप जरूर बनाइएगा नींबू भुजिया इसको बोलते हैं बहुत ज्यादा टेस्टी बनके तैयार हुआ था और झटपट से बनके तैयार हो जाता है तो आप जरूर ट्राई करिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए हम ऐसे ही मतलब घरेलू जो रेसिपी होती है जो नॉर्मली आप बना सकते हैं घर पे हम वही दिखाते हैं जो चीज़ नहीं भी रहेगी तो आप बना सकते हैं नॉर्मल तो यहाँ हम कढ़ाई साफ़ कर लिए हैं और हम गैस पर बैठा देते हैं कढ़ाई और यहाँ वीडियो बना रहे थे तो ये अपने आप बोल रहे थे हेलो गाइस मम्मा नमकीन बना रही है और जब हम बनाने लगे इनका वीडियो तो बोल ही नहीं रहते तो ऐसे ही होता है अपने आप बोलेंगे और जब आप बोलोगे तो नहीं बोलेंगे तो यहाँ कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है उसमें हम डाल देते हैं रिफाइंड आप मतलब जो भी चीज़ में तलते हों जो भी तेल यूज़ करते हैं उसमें डाल दीजिए उसके बाद इसका जो लॉक होता है उसको आप दबा के और चलाएँगे तो और नमकीन मतलब जो बेसन है वो नमकीन जैसे गिरने लगेगा आप दबा के चलाएँगे तो, तो यहाँ देखिए जो इसका लॉक होता है ना एक बार इसको दबाइए उसके बाद ये दोनों प्रेस करिएगा तो ये नमकीन तलने लगेगा तो एक हाथ से हम कर रहे थे तो कंफर्टेबल नहीं थे नहीं हो पा रहा था दोनों हाथों से बहुत मतलब इजीली कंफर्टेबल हो जाता है आदमी तो यहाँ एक हाथ से हम कर रहे थे क्योंकि एक हाथ में हम फोन पकड़े थे स्टैंड पर लगाते फ़ोन तो बाबू गिरा देते तो यहाँ देखिए तो नॉर्मली आप बहुत अच्छा ये बहुत ईजिली आप दोनों हाथों से करेंगे ना तो एकदम बहुत बढ़िया देखिए तैयार होगा हमारा नमकीन और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही आप इसको तलिएगा नहीं तो ये जल जाएगा तुरंत ही क्योंकि बहुत पतला होता है और अगर तेल ज़्यादा गर्म रहेगा तो तुरंत डालते ही बहुत जल्दी जल जाएगा तो आप लो टू मीडियम फ्लेम पे ही तलिएगा फटाफट मतलब हो जाता है और बहुत बढ़िया ये नमकीन बनके तैयार होता है तो यहाँ हम सारे नमकीन ऐसे ही तल लेते हैं अब यहाँ हम दोनों हाथों से दिखा रहे हैं आपको एक बार देखिए यहाँ अभी हम दोनों हाथों से दिखा रहे हैं फिलहाल अभी रख रहे थे कैमरा कि कहाँ रखे इसको देखें ये देखिए अब बहुत ही इजीली मतलब ये बनके तैयार हो जाए बस आटा लगाइए और तल के तैयार कर लीजिए बच्चे भी खुश आप भी खुश बहुत ज़्यादा मतलब खुशी मिलती है घर एक घर का आप बनाएँ घर पे तो एक अलग ही खुशी मिलती है तो इसे देखिए दोनों हाथों से प्रेस करना पड़ता है तो जल्दी जल्दी हो जाता है और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी हमें मतलब गर्मी हर जगह है बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी पूरा पसीने पसीने हो रहे थे और ये हम दोपहर में बना रहे थे क्योंकि बच्चे कभी भी जिद कर सकते हैं आपको बनाना ही पड़ेगा खाए या ना खाए लेकिन उनको चाहिए कह दिए तो उनके पास चाहिए तो इनको इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी तो कह रहे हम उतारो हम जा रहे हैं उस उधर रूम में तो फिर देखिए मतलब बहुत चलाक है कि गर्मी जब लगने लगी ना जब तलने लगे तो वैसे तो नॉर्मल था जब तलने लगे तो गर्मी लगने लगी तो भाग गया <laughs> यहाँ देखिए कितने अच्छे से नमकीन हमारा तैयार हो रहा है बहुत बढ़िया से और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ था एकदम मार्केट जैसा मतलब यहाँ पैकेट में मिलता है नींबू भुजिया बिल्कुल वैसे ही लग रहा था बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है वो बाबू को मतलब चटपटा ये सब चीज़ें थोड़ी अच्छी लगती है बाहर बाहर की चीज़ें जितनी हैं वो अच्छी लगती है घर का दीजिए नहीं खाएंगे ये देखिए यहाँ हम सारे तल लेंगे और मतलब ये एक कप हम बेसन लिए हैं उससे इतने सारे नमकीन हमारे बन के तैयार हुए हैं तो सोचिए है कि मतलब कितना अब अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो कितना ज़्यादा हो जाएगा नमकीन तो ये हमारा बस एक कप में है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो हम कम ही बनाए थे तो एक कप में बनाए थे फिर भी इतना ज़्यादा नमकीन हमारा तैयार हुआ है और ये बहुत ज़्यादा कुरकुरा बन के तैयार हुआ था ये देखिए देखने से लगता होगा मतलब तोड़ रहे हैं तो पता चलता ही होगा ये देखिए हमारा नमकीन तैयार है आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला जो हम रेसिपी आपके साथ शेयर किए हैं ये भी मार्केट का नहीं है घर का ही चाट मसाला है वो डाल दीजिए या फिर थोड़ा सा काला नमक सादा नमक या फिर लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा जो भी मतलब ऊपर से चटपटा चाहिए तो आप डाल सकते हैं फिलहाल इसमें ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम जब बनाए हैं तभी हम डाले हैं इसमें नींबू नमक सारी चीजें तो ये अंदर से अंदर से ही खट्टा चटपटा है तो आप ये ऊपर से भी डाल सकते हैं और यहाँ ऊपर से डाल दिए हैं और एकदम ये बना लिया और ये देखिए मेरा हालत कुछ ऐसा हो जाता है गर्मी में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए नए हैं तो और ऐसे ही मतलब बढ़िया वीडियो लाते रहेंगे रेसिपी की तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए क्या बनाया बेटा हाँ ज़ोर से बोलो थोड़ा अच्छा है